हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन में टोटल जो 18 तरह की वैकेंसी आई है उसमें सबसे पांच बढ़िया पोस्ट कौन सी है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो, लास्ट वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे जो बनाया था उसमें मैंने आपको सभी पोस्ट का एक ओवरव्यू दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा इन डेप्थ हम लोग देखने वाले हैं कि किस पोस्ट में एक्चुअल वर्क क्या रहता है, उसके आधार पर आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी पोस्ट यहाँ पर सबसे बढ़िया रहेगी। कई पोस्ट ऐसी हैं जिसके बारे में काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि उसमें काम क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, टेस्टबुक की तरफ से होली लाइफ टाइम स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है। देखो, अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 24 और 25 मार्च तक आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हो, जिसमें टेस्टबुक पास प्रो आपको सिर्फ 307 रुपए में और टेस्टबुक पास प्रो लाइफ टाइम वाला जो है वो आपको 439 रुपए में मिल जाएगा। यानी कि एक बार खरीदो, लाइफ टाइम आप इसका यूज कर सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे परचेज करते टाइम EG10 कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये 12% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 100% रिफंड भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बढ़िया ऑफर है, अभी आप इसको लेकर लाइफ टाइम इसका यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखो, जैसा कि टेक्नीशियन में जो टोटल पोस्ट हैं वो 18 हैं, जिसमें एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 है और 17 जो पोस्ट हैं वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हैं। सबसे पहले अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का क्या काम होता है, तो देखो जितना भी आपका रेलवे में सिग्नल का यूज़ होता है, यानी कि जितने भी ये ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, जितने भी वर्क करते हैं, ये सारी मेंटेनेंस का काम इनका रहता है। फ़र्क क्या होता है कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ग्रेड में काम करते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 थोड़ा सा सुपरवाइजरी पोस्ट पे काम करते हैं, बाकी काम इनका सेम ही रहता है। जितने भी सिग्नल है उनकी मेंटेनेंस करना, उनका रूटीन चेकअप करना, कहीं प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना। तो बात करते हैं यहाँ पर हम लोग टेक्नीशियन की जो मेन आपकी पोस्ट है उसके बारे में। सबसे पहली जो पोस्ट है वो आपकी ब्लैक स्मिथ वाली है। अब ये ब्लैक स्मिथ का मतलब हिंदी में लोहार होता है, तो जो भी लोहार वाला काम होता है, यानी कि जो भी ब्लैक स्मिथ होता है उनका काम आपको करना होगा। अब यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग है वो वर्कशॉप में भी रह सकती है और वो आपके ट्रैक पर भी रह सकती है। आप लोग पीवे के अंडर में भी काम करेंगे, पीवे होता है परमानेंट वे डिपार्टमेंट होता है, उसमें आपका बेसिकली वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, तो आपका जो ट्रैक होता है उसमें जो आपका काम है वो रहेगा, और अगर वर्कशॉप में आप रहते हैं तो वर्कशॉप में आपका काम रहेगा। ठीक है, तो ट्रैक रिलेटेड काम भी हो सकता है, वर्कशॉप रिलेटेड काम भी हो सकता है। ये वाली पोस्ट को मैं बेस्ट नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पर टी वगैरह ज्यादा नहीं बनता है, काम भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अभी लास्ट में मैं आपको पांच पोस्ट सबसे बढ़िया भी बताने वाला हूँ। दूसरी पोस्ट है आपकी ब्रिज वाली। ब्रिज जितने भी होते हैं रेलवे के, जो लोहे के ब्रिज होते हैं उसकी मेंटेनेंस करना, इस पोस्ट को मैं थोड़ा सा बेस्ट कैटेगरी में रखता हूं, क्योंकि यहां पर देखो, एक तो यहां पर क्या है कि आपका टीए बन जाता है, आपको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक ट्रैवल करना होता है, उसमें आपका टीए बन जाता है तो सैलरी बहुत अच्छी बन जाती है। दूसरा, यहाँ पर जो है वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कुछ पोस्ट में यहाँ पर रहता है, तो वर्कलोड भी लो रहता है, ड्यूटी भी थोड़ा फिक्स रहती है, तो ये वाली पोस्ट आपकी सही कैटेगरी में आती है। तो अगर ब्रिज वाली आपको पोस्ट मिलती है तो ये बहुत बेटर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी पोस्ट है CNW कैरेज एंड वैगन वाली। तो व्हील का जो मेंटेनेंस वगैरह होता है वर्कशॉप में वो काम रहता है, थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड वर्किंग जरूर है, हालांकि यहाँ पर इंसेंटिव बन जाता है लेकिन थोड़ा सा हार्ड वर्किंग रहता है ये आपका, तो इसको भी हम लोग बेस्ट कैटेगरी में नहीं लेते हैं क्योंकि सैलरी यहाँ पर एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं बनती है। पांचवें नंबर पर जो पोस्ट है वो क्रेन ड्राइवर की है। देखो, यहाँ पर आपकी ड्यूटी जो है मोस्टली तो वर्कशॉप में रहेगी, जो वर्कशॉप में भारी सामान है उसको एक क्रेन वहाँ पर लगा हुआ होता है, उस क्रेन की मदद से इधर से उधर ले जाना ये आपका काम रहता है, तो वर्कलोड तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कई बार एक्सीडेंट या फिर अगर बाहर आपकी फील्ड में ड्यूटी लगती है तो वहां पर थोड़ा सा वर्क बढ़ जाता है, और यहाँ पर भी सैलरी जो है बहुत मैक्सिमम तो नहीं रहती है लेकिन अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है डीजल मैकेनिकल और डीजल इलेक्ट्रिकल। ये दोनों पोस्ट लगभग सेम सी ही हैं। यहाँ पर वर्क क्या रहता है, डीजल लोको शेड जो होता है वहाँ पर आपकी ड्यूटी रहती है, मैकेनिकल में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो मैकेनिकल रिलेटेड वर्क है वो आपको करना है, इलेक्ट्रिकल में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड आपको काम करना होता है। ये बेसिकली काम रहता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, एवरेज यहाँ पर वर्कलोड इसमें भी रहता है। बात करते हैं 8 नंबर पोस्ट इलेक्ट्रिकल की। देखो, इस वाली पोस्ट को थोड़ा आप बेटर कैटेगरी में कह सकते हैं क्योंकि यहां पर जो आपकी ड्यूटी है वो स्टेशन्स पर रेलवे क्वार्टर्स में लगती है। अगर कोई भी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, कोई लाइट खराब है, कोई फैन खराब है, वो सारा रिपेयर मेंटेनेंस का काम आपका रहता है। हालांकि इसमें टीए इतना ज्यादा नहीं बनता है लेकिन ये थोड़ा सा यहां पर कंफर्टेबल वाली जॉब है, आप लोग यहां पर सोशल लाइफ से अटैच थोड़ा सा रहते हैं। बात करें TRS की, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, ये भी आपकी लोको शेड की ड्यूटी होती है, तो ये भी वर्कशॉप रिलेटेड काम ही रहता है, इसमें भी आपको टी वगैरह ज़्यादा नहीं मिल पाता है। अगली जो पोस्ट है यहाँ पर EMU इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो जितने भी EMUs होते हैं जो आपके इलेक्ट्रिक से चलते हैं दोनों साइड, जैसे ही आपकी ट्रेन होती है और इधर भी इसमें आपका इंजन टाइप होता है, इधर भी इलेक्ट्रिक से चलता है, इसको बेसिकली EMU यानी कि इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो EMU शेड होता है वहाँ पर आपकी ड्यूटी रहेगी और उसमें आपको काम करना होता है।
नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर 11 नंबर की, तो ये है हमारा फिटर वाला। अब फिटर में क्या होता है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। हो सकता है कि आप पीवे के अंडर आ जाए, हो सकता है आपकी वर्कशॉप में मिल जाए, हो सकता है आपको सीएनडब्ल्यू के अंडर में काम मिल जाए। यहाँ पर जो काम है वो बेसिकली फिटिंग रिलेटेड रहता है, तो कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है। उसके बाद बात करें अगर पीवे की परमानेंट वे, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, इस वाली पोस्ट में आपको टी अच्छा मिल जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ट्रैक रिलेटेड काम रहता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है और आपके जो है एसएससी जूनियर इंजीनियर उन सभी के अंडर में आपको काम करना होता है, तो इस वाली पोस्ट में भी आपका टीए अच्छा बन जाता है। बात करें 13 नंबर की पोस्ट आरएसी वाली जो है एसी रिलेटेड वर्क, तो इसको भी मैं बहुत अच्छी कैटेगरी में गिनता हूं, तो ये नंबर 2 की आप लोग कह सकते हैं बेस्ट पोस्ट है। कारण मैं आपको बताता हूं, एक तो यहां पर वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं है, जितना भी एसी रिलेटेड वर्क है वो आपको करना होता है। वर्कशॉप में भी कई बार आपकी ड्यूटी लगती है, स्टेशन पर भी लग सकती है और ट्रेन में भी लग सकती है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी वर्क लोकेशन एक ही रहेगी, थोड़ा सा आपको जो है यहां पर ट्रैवल भी करना होगा, तो टीए बहुत अच्छा बन जाता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो ये वाली पोस्ट बहुत अच्छी है। उसके बाद बात करें ट्रैक मशीन वाली पोस्ट की। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे किसी वर्कशॉप या किसी स्टेशन में इंटरनली रह के काम नहीं करना, तो ये पोस्ट आपके लिए सबसे बढ़िया है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, टेक्नीशियन में सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट भी यही है। आपका जो है जो ट्रैक मशीन्स होती है, उस ट्रैक मशीन के साथ आपको रहना है। अगर उस ट्रैक मशीन को काम करते हुए उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो आपको रिपेयर करनी होती है। साथ में आपको एक यहाँ पे एक वैगन भी मिलता है, जिसमें रहने खाने की सारी सुविधा होती है, तो एक तरह से एडवेंचरस लाइफ आप जी सकते हैं। किसी एक जगह आपको नहीं रहना, ट्रैवल करते रहना है, और सैलरी इन सभी 17 पोस्ट में सबसे ज़्यादा इसी की होती है। ठीक है, तो ये वाली तीसरे नंबर पर है जो पोस्ट, जिसको मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी है। आपके अकॉर्डिंग दूसरी पोस्ट भी अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं आपको सैलरी, थोड़ा एडवेंचरस लाइफ और वर्कलोड के हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद देखो, वेल्डर वाली जो पोस्ट है, तो वेल्डिंग रिलेटेड वर्क रहेगा। ये बेसिकली आपका मेनली प्रोडक्शन यूनिट्स में या फिर वर्कशॉप्स में आपकी ड्यूटी रहती है। 17 नंबर पर जो पोस्ट है एसएनटी सिग्नल, ये 4th नंबर की सबसे बढ़िया पोस्ट मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपका काम है वो सिग्नल और टेलीकॉम रिलेटेड रहेगा। सिग्नल में अगर आपकी ड्यूटी लगती है, तो सिग्नल जितने भी होते हैं उसमें रिपेयर मेंटेनेंस का काम रहता है। टेलीकॉम में अगर लगती है, तो टेलीफोन लाइन, वाईफाई, जितना भी वर्क होता है वो सारा आपको करना होता है। इसमें आपकी जो टी है वो भी बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है सिग्नल रिलेटेड ट्रैवल करना होता है। टेलीकॉम में भी आपको टी वगैरह अच्छा बन जाता है, बेसिकली सिग्नल में ज़्यादा टी बनता है, तो ये वाली पोस्ट भी बहुत अच्छी रहती है, सैलरी प्लस वर्कलोड थोड़ा कम रहता है। 17 नंबर पर है आपकी टर्नर। टर्नर वाली जो पोस्ट है, इसमें आपकी ड्यूटी प्रोडक्शन यूनिट में लग सकती है, मशीन ऑपरेट करनी होती है, आपको कटिंग वगैरह का काम इसमें रहता है, तो ये थोड़ा सा हार्ड वर्किंग काम हो जाता है। ऐसी रिवर्टर वाली जो पोस्ट है, इसमें भी आपकी ड्यूटी प्रोडक्शन यूनिट में लगती है, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती है, वहाँ पर रिवेट्स जॉइंट्स वगैरह का आपका काम रहता है, तो ये भी थोड़ा सा वर्कलोड इनमें ज़्यादा रहता है। तो 4 पोस्ट तो मैंने आपको बताई है जो मेरे अकॉर्डिंग बढ़िया है, बाकी 5वीं पोस्ट आप कमेंट बॉक्स में बताएं जो आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी है। काम मैंने आपका इन सबको बता दिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक वीडियो बनाएंगे सभी पे और सभी का डिटेल वर्क देखेंगे, क्या काम होता है, कितना ड्यूटी टाइमिंग होता है, सैलरी वगैरह सारी चीज़ें हम लोग कंपेयर करेंगे। बाकी आपकी जो फेवरेट पोस्ट है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।